नमस्कार, ओम शांति। तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और वर्तमान महामारी में तनाव और भी बढ़ गया है। कोई भी प्रकार का तनाव हो, उसे हमें कम से कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यह तो नेचुरल है, हम कुछ नहीं कर सकते। और क्यों ये कदम उठाने चाहिए? क्योंकि एक छोटा सा भी तनाव आपके शरीर के सभी अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। शरीर में करीब 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वो सब पर तनाव का बुरा असर होता है। तो इसलिए जैसे कि अगर रास्ते में 100 रुपये भी गिर गए तो क्या आप छोड़ देंगे? ऐसा सोचेंगे चलो कौन उठाता है 100 रुपया? पैसे वाला व्यक्ति भी वो 100 रुपये को उठा लेगा क्योंकि उसकी कीमत है। तो ऐसे ही जब आप थोड़ा भी तनाव अनुभव करते हो तो आपको बहुत बड़ी हानि हो रही है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिसको पैसे में हम गिनती नहीं कर सकते हैं। चमड़ी की बीमारियों से लेकर के हड्डी की बीमारियां और सर दर्द से लेकर के हार्ट अटैक तक की जो बीमारियां हैं, वह तनाव से होती है। दूसरा, तनाव वास्तव में एक टाइम बॉम्ब जैसा है। जैसे कहीं आपको मालूम पड़ जाए कि भाई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है ना, और ये 5 मिनट में फूटने वाला है, तो आप क्या करेंगे? भगा दौड़ी करके भी उसको डिफ्यूज करेंगे, या तो आप अपने एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो भी हमें सारे दिन में छोटा मोटा तनाव होता है, वो टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है, वो एक दिन फूटेगा और फिर वह बीमारी का रूप ले लेगा। मानसिक बीमारियां हो सकती है, शारीरिक बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय भी हम विशेष कदम उठाएं। और ऐसे तो सबके लिए है, परंतु कहेंगे विशेष जो लोग बूढ़े हैं उनको और आवश्यकता है, क्योंकि इस महामारी में अगर बुढ़ापे में यह बीमारी हो गई तो मृत्यु की संभावना और बढ़ जाती है। जिनको बुढ़ापे में अधिकतर होता ही है, साथ में और समस्याएं भी है कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसको डायबिटीज है, किसको किडनी की समस्या है, किसको लीवर की समस्या है, तो भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है और मृत्यु की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अब हर प्रकार, कोई भी तनाव हो, हमें करना क्या चाहिए? अगर विशेष रूप से वर्तमान परिपेक्ष में भी हमें विचार करना हो, है ना, तब भी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यह कहूँगा कि आपके नियंत्रण में जो है वह करो। आज हम अधिकतर शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जैसे अभी भी कहाँ से बीमारी आ गई, पता ही नहीं था, इतने साल हो गए, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, एक अदृश्य शत्रु है। तो कंप्लेन करने से फायदा नहीं होने वाला है, हमें वह करना है कि जो आपके कंट्रोल में है। और आप देखना कि बहुत कुछ आपके कंट्रोल में है, सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपका मन शांत होना चाहिए और दूसरा जो आपका अभिगम है, एटीट्यूड है, वह एटीट्यूड सही होनी चाहिए। अगर आपकी एटीट्यूड, आपका जो दृष्टिकोण है, वह गलत है, तो आप निराश होकर बैठ जा रहे, कुछ नहीं कर सकते, कभी होगा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, कितनी समस्याएं बढ़ रही है, और उल्टा आप ज्यादा ही निराश होंगे, ज्यादा ही डरेंगे। डर भी सभी को लगता है ना, ये नहीं सोचो कि भी डर नहीं लगता है,
है ना, अजीब से डर होते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति शेर से नहीं डरता है ना, परंतु कॉकरोच को देख के जंप मारता है। आज कहीं है ना, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के लिए भी कहा गया है कि वह कभी भी नाई से बाल नहीं कटाता है, खुद ही बाल काटता, उसको बहुत डर लगता है कोई बाल काटेगा तो। देखो ऐसा इतनी हिम्मत दिखा रहा है, बड़े बड़े देशों के साथ चुनौती ले रहा है, परंतु कोई उसके बाल काटे तो उसे बहुत डर लगता है। तो ऐसे हरेक के डर अपने अपने हैं। वर्तमान समय भी हमें डर है। डर केवल ये नहीं है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो, परंतु डर ये है कि मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किस्सों में मृत्यु हो रही है। बल भारत में आप देखो तो 3.5% ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को डर लगता है। कई बार तो यह भी है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिसको इस महामारी का डर नहीं है, परंतु उनको जो आइसोलेशन का डर है कि मुझे 14-15 दिन एक कमरे में बंद कर देंगे, अकेला रहना पड़ेगा, किसी को मैं मिल नहीं सकता हूँ, वह जो आइसोलेशन होगा, क्वारंटाइन का जो पीरियड है, उससे लोग बहुत ही डरते हैं। तो ऐसे अगर ये डर को समाप्त करना है, तब भी कि उस समय का मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अभी हम घरों में ही है, या तो और कोई भी परिस्थिति भी लीजिए, तो सबसे पहले ये है कि मेरे नियंत्रण में क्या है। और इसका अगर एक बहुत अच्छा उदाहरण देना हो, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो बहुत ही प्रसिद्ध लोगों ने कि जो उनके कंट्रोल में था वह करके बहुत बड़ी समस्या में भी उन्होंने मन की शांति को बनाए रखा। एक तो है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस की, जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई। काफी साल पहले उनको एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसमें उनके सभी अंगों को जैसे कि लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। कहते हैं डिस्ट्रॉफिक इलनेस, ये दिमाग की बीमारी है कि जिसमें जो मांसपेशियां हैं वो सारी कमजोर हो जाती, खा जाती है। आपने भी कई बार अखबारों में भी उनका फोटो देखा होगा कि वो व्हीलचेयर में उनको लेके जाना पड़ता था। वो अपनी लार को भी संभाल नहीं पाते थे, नर्स को किसी को साफ करनी पड़ती थी। सिर्फ उनके नियंत्रण में यह था, जो कल कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड्स, उनके कंट्रोल में यह था कि उनकी उंगलियां काम कर रही थी और उनके दिमाग को बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। तो वह कंप्यूटर पे अपनी थियोरी को ही चेंज करते थे, ब्लैक होल्स पे उन्होंने बहुत काम किया है। भारत में भी कई बार आए, पहली बार आए तो बड़े बड़े अखबारों में पहले पेज पे हेडलाइन थी हीरो नंबर 1 प्रोफेसर हॉकिंस, कि विश्व ने उन्हें ज्यादा सम्मान दिया क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी के बीच में उनके नियंत्रण में जो था वह कर रहे थे। जो यूनिवर्सिटी में थे वहां पर भी जो लोग भी फिजिकली मेंटली चैलेंज थे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। कारण था क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंस वहां पर थे। तो ऐसे जो चीज आपके नियंत्रण में है वह करते रहो, तो एक तो कुछ अच्छा होगा और दूसरा फिर तनाव भी नहीं होगा। दूसरा आपको एक पावरफुल उदाहरण देना चाहता हूं, वह डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन की। दूसरे विश्व युद्ध में वह एक ज्यूइश थे, तो इसके कारण हिटलर की आर्मी ने उन्हें बंदी बना दिया था और उनकी आंखों के सामने ही करीब करीब परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया गया। फिर भी उन्होंने वही किया जो उनके नियंत्रण में था,
उन्होंने क्या किया कि तब और जो बहुत सारे बंदी थे, तो उनके विचारों को, उनके व्यवहार का वो अभ्यास करने लगे, लिखने भी लगे। कुछ बातें उन्होंने देखी। एक बात तो उन्होंने यह देखी कि तब खाने के लिए थोड़े से ही दो चार छोटे छोटे बिस्किट्स दिए जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद उन्होंने पाया कि कई कैदी थे कि जिन्होंने उन बिस्किट्स को बचा करके रखा था। क्यों? क्योंकि अगर आगे चल के यह भी बिस्किट देना बंद कर दे तो हम कैसे जिएंगे। उन्होंने ये पाया कि जो जीने की तमन्ना है वो जबरदस्त है लोगों में, जो आवश्यकता है उससे 10% खाने से भी व्यक्ति जीवित रह पाता है। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी परंतु कुछ लोग जी गए। तो उन्होंने उनको पूछा भी कि भी आप कैसे जिंदा रहे, देखो सारे लोग मर रहे। तो उन्होंने ये पाया कि जो लोग जिंदा थे उनको जीवन में कुछ लक्ष्य था, वह आगे कुछ करना चाहते थे। छोटी सी बात भी, किसी ने यह कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है, तो इसलिए इतनी सारी यातनाओं को भी उसने सहन कर लिया, वो मरा नहीं। किसी ने यह भी कहा कि मुझे अपनी पत्नी का चेहरा फिर से देखना है, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो उन्होंने यह पूरा पाया, एक सारी किताब लिखी जिसमें सारा वर्णन है कि मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, कि मानव मीनिंग को जीवन में ढूंढता है। और जब भी आपका जीवन मीनिंगफुल बन जाए तो कुछ भी नहीं है। बस यह आप सोचो। ये दो उदाहरण क्यों मैंने थोड़ा टाइम लिया, परंतु इसीलिए बताए कि आपके कंट्रोल में तो बहुत कुछ है। अगर आप देखेंगे तो पहले आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं था, तो अभी एक्सरसाइज के लिए टाइम ही टाइम है। पहले कुछ अच्छा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, अभी अच्छा पढ़ने के लिए बहुत कुछ टाइम है आपके पास। पहले परिवार के सदस्यों से समय बिताने के लिए टाइम नहीं था, अभी बच्चों के साथ, पत्नी पति के साथ समय बिताने के लिए बहुत टाइम है आपके पास। तो उसका सदुपयोग करिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को टाइम दीजिए। आज जब हम इतने व्यस्त हो गए वर्तमान युग में कि हम शायद औरों को तो थोड़ा बहुत भी टाइम दे देते हैं, परंतु अपने आप को थोड़ा भी टाइम नहीं देते हैं ना। अपने आप को टाइम देना है, हमारी स्व उन्नति के लिए समय निकालना है। ये भी कह सकते हैं कि भी परमात्मा के लिए भी टाइम निकालो। ऐसे तो कोई भगवान को अपना टाइम चाहिए नहीं, परंतु परमात्मा के लिए इसलिए टाइम निकालना है क्योंकि उससे हम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ आपके कंट्रोल में है। उल्टा मैं तो खुश होता हूँ कि भी अभी समय मिला तो ये पूरा सदुपयोग कर लो। अगर आप यह करेंगे तो आप देखना कि उल्टा आपको लगेगा कि भी ये जो हुआ वो अच्छा हुआ, उससे मुझे फायदा हुआ। और एक जो जरूरी चीज है कि लोग आज है ना नेगेटिव बन गए। कईयों का कहेंगे व्यक्तित्व ही नेगेटिव है, कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही पॉजिटिव है। जिसका व्यक्तित्व नकारात्मक है वो हर चीज में नकारात्मकता को ढूंढ लेता है। अभी भी अरे क्या अभी घर में रहना, ऐसा किया वो हो गया, और कोई परिस्थिति हो तब भी वह यही उसमें नकारात्मक चीज़ों को ही ढूंढेगा, वह दुखी ही होगा। और जो व्यक्ति सकारात्मक है वह सदैव कितनी भी समस्या हो सकारात्मक चीज़ को ढूंढता है। हाल ही में एक उदाहरण सचमुच मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अब कई लोग हैं कि भी जो भी मजदूर है कि भी उनको ये लगता है कि भी हम अपने गांव पहुंच जाए, भी यहाँ पर अगर बीमारी से नहीं मर रहे तो भूख से मरेंगे, और लोग पैदल करने लगे।
तो एक बूढ़ा व्यक्ति बम्बई से शायद नासिक या उससे भी आगे उसको कहीं जाना था, है ना। वो चलते चलते जा रहा था और रास्ते में उल्टा उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक ने उसे ठोकर लगा दी और बहुत चोट आ गई। एक टीवी जर्नलिस्ट ने किसको बुला के उसकी मलम पट्टी आदि कराई, उसका छोटा सा इंटरव्यू भी लिया और फिर तो उसको तो वो भूल गया। लेकिन 2 दिन के बाद वो और भी ऐसे अपना कवरेज करने के लिए जा रहा था, तो उसको लगा वो वही व्यक्ति वहाँ पर है। उसके पास कुछ खाने को बिस्किट्स आदि कुछ थे, वह जो उसका बैंडेज आदि लगाया था वो भी छूट गया था, तो फिर से उसने उसको पूछा। तो ये तो बताया कि शायद छूट गया, हाँ बस मैं ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है ना, अभी क्या करोगे? तो बोला कोई नहीं है, बस ऐसे चलते चलते हंसते खेलते मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने बहुत बार ये बात लोगों को कही है कि देखो यहाँ एक व्यक्ति सकारात्मक है। अभी इसे दुखी होने के लिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो बेचारा बूढ़ा है, गरीब है, खाने को कुछ ठीक से नहीं है, कैसे वह रात बिताता होगा, जो चोट लग गई है बहुत दर्द होता होगा सचमुच, और वह बैंडेज भी निकल गया तो उसकी भी समस्या है। लेकिन फिर भी कहता है कि धीरे धीरे हंसते खेलते मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे हर बात में पॉजिटिव रहो। और बहुत सिंपल है, एक बार हमने ये तय कर लिया कि मुझे सकारात्मक ही रहना है, जो हमारे से अच्छे लोग हैं, जिनको हमारे से कुछ ज्यादा प्राप्त है उसके बारे में नहीं सोचो, अगर सोचना ही है तो हमारे से कम जीने प्राप्त है उनके बारे में सोचो। अगर अभी आप घर में शांति से है, खाने के लिए भी आपके पास है ना, थोड़े पैसे भी है, तो अब अगर तुलना करने तो उन लोगों की करो कि जो मजदूर इतनी तकलीफ उठा करके जा रहे हैं। बेचारे ऐसा भी सोच के चले, कहीं है ना, साइकिल पे रोज हम 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे तो करीब 20 दिन में पहुंच जाएंगे, कमाल की बात है ना, और कुछ सोचा नहीं। उसके साथ आप अपनी तुलना करो, और लोगों को जाना है ट्रेन के लिए रोज जा रहे हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि हमारी परिस्थिति तो बहुत बहुत अच्छी है। ऐसे दूसरी बात कि हमें सकारात्मक बनना है। और मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा मेडिटेशन भी करो, तो कहा ना कि अपने आप से टाइम दो ना। मेडिटेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेडिटेशन क्या है कि हम अपने आप से मुलाकात करते हैं और फिर परमात्मा से मुलाकात सहज हो जाती है। और ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग का अभ्यास विनामूल्य सिखाया जाता है, उसके पीछे यही लक्ष्य है कि भी सभी तक ये पहुंचे। अगर फीस ली जाएगी तो सभी उसको कर नहीं पाएंगे। और वह सरल सी विधि है कि जिस विधि में हम अपने विचारों को इंटरनलाइज करते, अंतर्मुखी होते हैं, और फिर एक बार जब आत्मचिंतन होगा तो क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है, इसलिए हम भी जब अशरीरी होंगे तो परमात्मा से मिलन सहज हो सकता है। और फिर आइए हम बस थोड़ा 2-3 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, और यही जो बात मैंने आपको बताई उसको भी हम इंटरनलाइज कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास में हम आराम से बैठ सकते हैं ना, कोई सिंपल आसन लगा के बैठना है तो भी बैठ सकते हैं। आमतौर पर खुली आंखों से राजयोग का अभ्यास किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। सारे शरीर को एकदम हल्का और स्थिर रखते हुए सबसे पहले अपने अंतर मन के विचारों को ही अनुभव करिए कि मन में क्या विचार
विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अंतर मन के विचारों के बारे में सजग होते हैं, विचारों की गति शांत हो जाती है। अब हम अपने विचारों को मोड़ सकते हैं। यह सृष्टि एक विशाल रंगमंच है कि जिसमें मैं आत्मा एक एक्टर के रूप में अपना पार्ट बजा रहा हूं। मैं एक हाथ पैर वाला शरीर नहीं, परंतु शरीर से परे एक दिव्य चेतना हूं। मैं एक दिव्य ज्योति हूं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसको मैंने धारण किया है इस रंग मंच पर अपना पाठ बजाने के लिए, एक वेशभूषा है। मैंने इसे अनेक जन्म लिए हैं। जैसे ये भाव आता है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं, शांति का मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु स्वरूप है। जैसे ही मैं परमात्मा को याद करता हूं, एकदम हल्कापन लगता है। पिता परमात्मा शांति के सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा अनादि स्वरूप भी शांत है, मेरा आदि स्वरूप भी शांत है। वर्तमान में भी मैं पूरी तरह से शांत का अनुभव कर रहा हूं और शांति धाम ही मुझे वापस जाना है। बस ये शांति में मैं सही विचार भी कर पा रहा हूं कि मेरे नियंत्रण में क्या क्या है वह सब कुछ करूंगा। पूरी तरह से मैं सकारात्मक बनूंगा। देह और देह की दुनिया के बारे में जागृत होता हूं, परंतु इस शांति को सदैव कायम रखो। तो वैसे तो एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसे ही राजयोग का अभ्यास भी आप सीख भी सकते, ऑनलाइन भी सीख सकते और अपने जीवन में इन चीजों को अपना करके ऐसा जीवन बनाइए कि कैसी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, मन का संतुलन सदैव कायम रहेगा। ओम शांति, नमस्कार।